एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट जीएमसी उरई। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो सही रहेगी, आपकी प्रिपरेशन के लिए जो अच्छी बुक्स रहेंगी उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो बुक्स बता रही हूँ ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। मैंने जो बुक्स अपने जूनियर से कंसल्ट करके पूछी हैं या फिर जो बुक्स मुझे सही लग रही हैं मैं बस वही बुक्स बता रही हूँ आपको। सबसे पहले एक बुक है लूशेंट की, जीके की बुक है। इसमें आपको जनरल साइंस पढ़ने को मिलेगी, तो जो जनरल साइंस है वो काफ़ी सही है इस बुक में। मतलब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन। और वैसे ही क्वेश्चंस इस बार एंट्रेंस एग्जाम में आए थे और पिछली बार भी एंट्रेंस एग्जाम में आए थे। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये बुक मुझे एक जूनियर ने सजेस्ट की थी क्योंकि उसने इसी बुक से पढ़ा था एंड शी वाज सेइंग कि बॉस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आए थे, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि ये बुक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाएगी, मतलब दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो आप किसी भी लैंग्वेज से इसको पढ़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बुक है एडू गोरिल्ला, ये बुक भी मुझे एक जूनियर ने सजेस्ट की थी। तो एडू गोरिल्ला की जो बुक है वो बीएससी नर्सिंग के लिए ही बुक है। तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा कुछ मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें क्या हुआ है कि पेपर के जो पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बुक उसने तो इंग्लिश मीडियम में ली थी, हिंदी का मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है, एडू गोरिल्ला नाम से बुक है। एंड जो थर्ड बुक है वो है मैंने ली थी पर्सनली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, अभी तो क्या है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है, मतलब बायलैंगुअल है, बट उस टाइम पे एग्ज़ाम जो था वो केवल इंग्लिश मीडियम में आया था। तो मैंने अपनी पर्सनल प्रिपरेशन के लिए ली थी बुक, केटी सर की बुक थी, मतलब नीट के लिए थी, एनसीईआरटी पावर नोट्स, तो वो बुक मैंने ली थी बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपको 11th एंड 12th की बायोलॉजी दी हुई है पूरा एनसीईआरटी का। बहुत ही मतलब एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम पेजेस में, एक चैप्टर एक पेज में ख़त्म किया हुआ है और बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखी है वो बुक। तो वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी एंड उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे क्योंकि एनसीईआरटी से ही आते हैं बेसिकली, तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल गए थे। तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, एनसीईआरटी पावर नोट्स नाम से बुक है, केटी सर की, नीट के लिए आती है, बट अगर आप लोग चाहें तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि उस बुक को पढ़ के आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ईजिली समझ में आ जाता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग वो बुक परचेज कर सकते हैं। एंड एक बुक है जो कि केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए है, मतलब इसमें केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा तैयारी करनी मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक अलग से बुक ले सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ये बुक है, टेस्ट पब्लिकेशन है इसका एंड इसमें आपको जो बुक है वो 1500 प्लस MCQ लिखा हुआ है उसमें। ये मैंने परचेज करी थी तो मैंने उसमें देखा था कि उसमें 1500 MCQ नहीं है, बट ये है कि उसमें आपको 800 टू 900 MCQ हैं इस टाइप में है, बट पूरा 1500 नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे MCQs दिए हुए हैं उसमें। तो आप लोग चाहें तो आप लोग वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। और ये बुक जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो ये एक ही किताब में आपको दोनों लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही किताब में अवेलेबल है। तो इसको हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी स्टूडेंट है तो वो इजीली परचेज कर सकता है, और 200 समथिंग कुछ है, तो आप लोग चाहें तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। एंड जो थर्ड लास्ट बुक है वो है विजय एजुकेशन की बुक है। ये मैंने पर्सनली खुद नहीं पढ़ी हुई है, मुझे कमेंट्स में ही काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये बुक मैंने खरीदी है तो ये अच्छी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये बुक मैंने पर्सनली नहीं खरीदी है, बट बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे इस चीज़ के लिए, तो आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। विजय एजुकेशन की जो बुक है वो मैं बस बोल रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखी नहीं है और मेरे आसपास किसी ने ली भी नहीं है, बच्चे ही बोल रहे थे कमेंट्स में। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक बार उसको लेके देख लीजिए, अगर किसी ने ली हुई है तो आप उससे पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। एंड रही बात इंग्लिश और हिंदी की,
कि अगर हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं या इंग्लिश से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पेपर इस बार दोनों लैंग्वेजेस में आ रहा है, तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए कि आप थोड़ा थोड़ा अभी से इंग्लिश में पढ़ते चलिए, क्योंकि अगर आप तैयारी भी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं वहाँ पर जाके आपको अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आप एकदम से इंग्लिश में अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहें तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़िए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी 5 बुक बताई हैं, लुशियन की बुक, एडू गोरिल्ला एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है, एंड एक जो बायोलॉजी की केवल बुक है NCERT पावर नोट्स। तो ये मैंने आपको 5 बुक बताई हैं, सॉरी 4 बुक है, एंड विजय एजुकेशन की जो बुक है वो मैंने पर्सनली ख़रीदी नहीं है, एंड अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। एंड हाँ, एक बुक और है जो कि टेस्ट प्रेप की ही बुक है, जिसमें आपको पूरा पेपर पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये AVVMU जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने जो ये पेपर कंडक्ट कराते हैं, तो उन्हीं ने फर्स्ट टाइम ये बुक रिलीज़ की थी। पूरा पेपर पैटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप लेना है इनमें से जितनी भी बुक्स बताई हैं, तो आप लेटेस्ट एडिशन खरीदें, जिससे कि आपको और अच्छा पेपर पैटर्न उसमें देखने को मिल जाए, क्वेश्चंस काफ़ी सही आएंगे अगर आप लेटेस्ट एडिशन खरीदेंगे। ओल्ड एडिशन में क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा इधर उधर के होंगे, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी 2 बार एग्जाम हो चुका है। तो लेटेस्ट एडिशन में आपको अच्छे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे और पेपर पैटर्न भी आपका एकदम सही आएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, एक बार GK भी आया था, तो इस बार अब GK नहीं आ रहा है। तो आप खरीदें तो लेटेस्ट एडिशन की ही बुक खरीदें, ठीक है। मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक पर्सनल गाइडेंस तो आप बुक ले लीजिए, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं चाहते खरीदना, ठीक है। और जो NCERT पावर नोट्स हैं तो वो मेरे पास है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बताना कमेंट्स में आपको वो पढ़ना है या नहीं, तो फिर मैं वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा इजी करके और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक एक चैप्टर समझा दूंगी, ठीक है। तो बैच को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना, लिंक मिल जाएगी उसकी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने एक अभी वीडियो डाला था जूनियर्स के साथ डिस्कशन वीडियो, तो अगर आप लोग चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।